आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शनिवार को नगर में निकलेगा जल झूलनी एकादशी का जुलूस, नगर के पांच मंदिरों के डोल होंगे शामिल। शाम 5 बजे बस स्टैंड पर होगा सामूहिक आरती का आयोजन। सनावत, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व के 16 दिन बाद होने वाले जलवा पूजन जल झूलनी एकादशी पर नगर के पांच मंदिरों का डोल नगर के प्रमुख मार्गों से निकलेंगे, जिनका नगर के नागरिक महिला पुरुष पूजन करेंगे। शाम 7 बजे बस स्टैंड पर सभी डोलों की आरती संपन्न होगी। इस दौरान क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों ने जुलूस के निकलने वाले मार्ग का निरीक्षण किया और वहां किए जाने वाले इंतजामों के संबंध में दिशा निर्देश दिए। भगवान श्री कृष्ण के जलवा पूजन को क्षेत्र में जल झूलनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के पांच प्रमुख मंदिर मुरली मनोहर बावड़ी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, राम मंदिर, राज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान के नयनाभिराम डोल निकल जाते हैं। दोपहर 3:30 बजे ये जुलूस नगर के पीपल चौक स्थित मंदिरों से शुरू होगा। इसके आगे अखाड़े भजन गाते कीर्तन संगठन के कलाकार और मंदिरों के डोल शामिल होंगे। जुलूस नगर के एमजी रोड सुभाष चौक मोटक्का चौराहा होते हुए शाम 7 बजे नगरपालिका बस स्टैंड डोल का पूजन किया जाएगा। सामूहिक आरती होगी। यहां से सभी डोल एक साथ आगे के लिए रवाना होंगे, जहां से जुलूस प्रीगंज वार्ड नंबर 2 से होता हुआ रेलवे स्टेशन रोड गणेश मंदिर से बस स्टैंड आकर अपने मंदिरों पर समाप्त होगा। रात 11 बजे दोनों का जुलूस संपन्न होगा। अधिकारियों ने मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार अंतर सिंह गणेश, TI इंद्रेश त्रिपाठी ने नगर पालिका विद्युत मंडल और अन्य विभागों के साथ जुलूस के निकलने वाले मार्ग का निरीक्षण किया और वहां पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार और TI ने बताया कि फ्रीगंज वार्ड नंबर 2 की गली छोटी है, इसलिए वहां पर प्रकाश और स्वच्छता का कार्य प्राथमिकता से पूरा करवाया जाए। रात के समय ढोल अपने मंदिर पर पहुंच जाए, इस दौरान उनके साथ प्रकाश व्यवस्था के इंतजाम हो, साथ ही पुलिस और यातायात अवरोध ना हो, उस बात के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने मार्ग का भ्रमण कर व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान विद्युत मंडल के अमित ठाकुर, नगर पालिका के हारून बेग, आशीष सोनी, आरक्षक अजय सोलंकी सहित अन्य विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।